नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल। एज यू नो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम फॉर यू एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th क्लास मैटर एंड वर्क सराउंडिंग्स एंड वीडियो नंबर 11। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। सो हमारे पास क्वेश्चन है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विच विल प्रोड्यूस सीवियर बर्न्स एंड व्हाई। कहता है कि अगर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर इनमें से दुर्घटनावश कोई चीज हमारे ऊपर गिर जाए या किसी के ऊपर भी गिर जाए तो कौन ज्यादा जलाएगा, गर्म उबक खोलता हुआ पानी ज्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करेगा या स्टीम ज्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करेगी, ये क्वेश्चन। तो आंसर बड़ा सिंपल है कि स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। स्टीम क्या करेगी, ज्यादा सीवियर बर्न्स, ज्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि देखिए जलाएगा कौन, कौन ज्यादा जलाएगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी। तो स्टीम में एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। किस फॉर्म में एनर्जी ज्यादा होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में एनर्जी कम होती है, स्टीम में एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि स्टीम की एनर्जी में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसलिए स्टीम ज्यादा बर्न करेगी। कैसे बर्न करेगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी आंसर ये लिखा हुआ है। देखिए ये आपके पास कंटेनर है, इसमें वाटर है, नीचे बॉइलिंग वाटर है, ऊपर आपका स्टीम है और ये हम इसको बॉइल कर रहे हैं। वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस मींस 373 केल्विन और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस मींस 373 केल्विन। अब मैं प्रूफ करूंगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा कि सपोज दैट बॉइलिंग वाटर की एनर्जी है 10,000 किलो जूल, स्टीम की एनर्जी क्या, स्टीम की एनर्जी भी 10,000 किलो जूल होगी। आंसर है अभी आप समझिए कि यस, हाँ होगी। क्यों होगी, बिकॉज यही वाटर तो स्टीम बना है, यही वाटर तो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, दोनों का टेम्परेचर सेम, तो दोनों की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, पर आंसर है दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखिए हो क्या रहा है, बॉइलिंग वाटर लिक्विड स्टेट में है, स्टीम जो है वो गैसियस स्टेट में है, मीन्स स्टेट चेंज हो रहा है, मीन्स चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। अब स्टेट चेंज होने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग वाटर लिक्विड है और स्टीम क्या है, गैसियस फॉर्म में, यानी कि बॉइलिंग वाटर जब स्टीम बनेगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज करने के लिए हमको रिक्वायर्ड है लेटेंट हीट, स्टेट चेंज करने के लिए वी नीड लेटेंट हीट, आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि लिक्विड से गैस बन रहा है तो वी नीड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी इसमें और इसमें एनर्जी में क्या डिफरेंस है कि बॉइलिंग वाटर की इस एनर्जी को जब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगी, बॉइलिंग वाटर की इस एनर्जी को जब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगी तो वो स्टीम में चेंज होगी। यानी कि अगर इसमें मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऐड कर दूं तो स्टीम बन जाएगा, निकाल लूं तो वाटर बन जाएगा। तो यानी कि स्टीम में एनर्जी ज्यादा होगी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए स्टीम की एनर्जी ज्यादा है, स्टीम है हाई एनर्जी, स्टीम है हाई एनर्जी देन द बॉइलिंग वाटर, स्टीम है हाई एनर्जी, स्टीम है मोर एनर्जी, स्टीम है एक्स्ट्रा एनर्जी, देन स्टीम कॉज मोर बर्न्स टू एनी पर्सन। नहीं समझ आई बात, देखिए बॉइलिंग वाटर है जिसकी एनर्जी 10,000 जूल है क्योंकि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, सपोज दैट स्टीम की एनर्जी भी 100, स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, एनर्जी होगी 10,000 किलो जूल, सपोज दैट, हम माना ऐसा जरूरी नहीं कि यही एनर्जी होगी, पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा,
कि जब देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पर बॉइलिंग वाटर्स लिक्विड है, स्टीम गैसियस फॉर्म में है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। अगर इस बॉइलिंग वाटर में लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऐड हो जाए तो स्टीम बन जाएगी, हट जाएगी तो वापस इसमें चेंज हो जाएगा। यानी कि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ऐड होगी, बॉइलिंग वाटर में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऐड नहीं होगी। जब बॉइलिंग वाटर में लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऐड हो जाएगी तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, अगर नहीं है तो बॉइलिंग वाटर ही रहेगा। यानी स्टीम में एक्स्ट्रा एनर्जी होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में। तो जब स्टीम की एनर्जी ज्यादा है, स्टीम की एनर्जी एक्स्ट्रा है, तो स्टीम ही ज्यादा बर्न प्रोड्यूस करेगी। आई होप समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन है, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, एंड दूसरा है एन अल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए वाटर लिक्विड क्यों है, तो क्यों लिक्विड है वाटर, बिकॉज वाटर इज फ्लूइड, वाटर इज अ फ्लूइड। दूसरा रीजन, वाटर का शेप एंड साइज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स, और वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। ये लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। एक अलमारी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, क्यों, क्यों, बिकॉज वो क्या होती है, रिजिड होती है, क्या होती है, उसका फिक्स्ड शेप साइज एंड वॉल्यूम होता है। और क्या लिख सकते हैं, वो क्या होती है, इन कंप्रेसिबल होती है। तो जो अलमारी जो है वो सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स पोज करती है, सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर, इसलिए वो सॉलिड है। वाटर लिक्विड क्यों है, उसमें लिक्विड के करेक्टरिस्टिक्स हम लिख देंगे, आंसर हो गया आपका ही। So, एक क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी जिन्हें हम फिनाइल की गोलियां कहते हैं, और वो कपड़े वगैरह में रख दी जाती हैं ताकि कीड़े वगैरह वगैरह कपड़ों में ना घुसें। तो जो बॉल्स होती हैं दे डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, मतलब वो बॉल्स गायब हो जाती है, ना तो वो कपड़ों को गीला करती है और बस वो बॉल्स गायब हो जाती है अपनी जगह से। तो बॉल्स कहाँ चली गई, तो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो एक सप्लाइंग सब्सटेंस होती है, तो वो सॉलिड से सीधे सीधे गैस में, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होती रहती हैं, आसपास से हीट वगैरह अब्सॉर्ब करके डायरेक्टली गैस में चेंज होके एक समय ऐसा आता है कि वो बॉल्स क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती है। आई होप समझ आया होगा आपको। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं और वो सब्लाइम सब्सटेंस। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड का सीधे सीधे गैस में चेंज हो जाना बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो वो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है डायरेक्टली बिना कोई रेसिड्यू छोड़े हुए। दूसरा क्वेश्चन है कि परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर से आ जाती है, तो परफ्यूम क्या होता है, परफ्यूम एक तरह से वेपर या गैस फॉर्म में होता है, और वो जब उसको हम एयर में छिड़कते हैं तो एयर भी गैस होती है, और गैस का गैस में डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, और इस तरह से परफ्यूम की स्मेल कमरे की एयर में बहुत फास्टली डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और हमें दूर से उसकी स्मेल आ जाती है। परफ्यूम गैस है, गैस और एयर भी गैस है, गैस का गैस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, इस कारण से हमें परफ्यूम की स्मेल दूर से ही आ जाती है। और इन नेफ्थलीन बॉल्स वाले केस में आपको लिखना है कि नेफ्थलीन बॉल सब्लाइम नेचर में होती है और वो सॉलिड है, और वो डायरेक्टली क्या करते हैं, गैस में चेंज होती रहती है और डिसअपियर हो जाती है। एक और क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस अस सेवरल मीटर्स अवे, यानी कि गर्म खाने की स्मेल हमें दूर से आ जाती है, ठंडे खाने की स्मेल दूर से नहीं आती है। तो जो गर्म खाना होता है, हॉट फूड होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है,
टेम्परेचर ज्यादा होने का मीनिंग है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, आपको पता है। तो जिस खाने का टेम्परेचर ज्यादा है जो कि गर्म है तो वो वेपर्स प्रोड्यूस करेगा, फूड पार्टिकल्स के वेपर्स प्रोड्यूस करेगा। जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करेंगे एंड डिफ्यूज करेंगे एयर में फास्ट। और इस ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हुए हमारी नाक तक आ जाएंगे और हमको इसकी स्मेल दूर से आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा।